ओके तो आगे एक और कमाल के थंबनेल ट्यूटोरियल वीडियो लेकर एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टेप से थंबनेल क्रिएट करना सीखने वाले हैं। एंड मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, बट मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप इनके ऊपर थंबनेल ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आओ, तो फाइनली मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इस टाइप से थंबनेल क्रिएट करना बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देख ले तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेप में कुछ इस टाइप से थंबनेल क्रिएट करना सीख जाओगे एंड कॉमेडी थंबनेल। तो आप लोगों को सबसे पहले पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, क्योंकि हम लोग पिक्सेल एप्लीकेशन पर इस थंबनेल को क्रिएट करने वाले हैं जो मोबाइल से बन जाता है इजी स्टेप में। और हाँ, मैं आप लोग से बता दूं, इस थंबनेल में जो भी है और मटेरियल में यूज करूंगा वो सब मैं आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पिक्सेल एप्लीकेशन का आप लोग को ओपन कर लेना है, जैसे मैं ऑलरेडी यहां पर ओपन करके रखा हूं। ओपन करने के बाद आप लोग यहां पर थ्री डॉट पर टैप करना है एंड आप लोग इमेज साइज पर टैप करके फिर कस्टम पर टैप करना है और आप लोग का यूट्यूब चैनल बनाने पर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें थोड़ा सा थंबनेल का जो क्वालिटी है थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। सिलेक्ट करने के बाद जिससे आपका थंबनेल का साइज सिलेक्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले इस थंबनेल में हम लोग देखेंगे, जैसे हर बार मैं आप लोग से बताता हूं कि इस थंबनेल में देख लेना है कि कौन कौन से मटेरियल यहाँ पर यूज किए गए हैं, कहाँ कैसे यूज किए गए, वो लोग जैसे वो सब अगर आप लोग समझ गए तो बिल्कुल इजी स्टेप में थंबनेल यहाँ पर क्रिएट करना सीख जाओगे या जैसे बनाना सीख जाओगे। तो सिंपली आप लोग इसमें देख लीजिए, बैकग्राउंड ऐड हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर पीएनजी वगैरह है, सो सब कुछ मैं यहाँ पर रखा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर जाना है एंड आप लोग यहाँ पर क्रोम गैलरी के नाम से ऑप्शन आएगा, तो इस पर जैसे आप लोग टैप कीजिएगा तो सीधे आपके गैलरी में री यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा। तो आप लोग को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आप लोग इसको ऊपर के साइड करके और फिर आप लोग को सही पर टिक करना है, तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जैसे अपने फोटो को इसमें ऐड करना है, जैसे इन लोग का फोटो है तो मैं ऐड कर लेता हूँ, ये तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे ट्यूटोरियल देने के बाद इन लोग का फोटो निकालना थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, बट फिर भी जो भी प्रोसेस बताता हूँ आप लोग तो इजीली समझ ही जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर फोटो ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड आप लोग को इंपोर्ट पर क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से, जैसे मैं रिमूव किया था अच्छे से नहीं हो पाया था, बट फिर भी उतना नहीं अच्छा हो पाया, बट एडजस्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको सबसे पहले हम लोग छोटा कर देंगे और इसको ना थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग देखिएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा और छोटा हम लोग कर लेंगे, कुछ इतना, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे, ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इस पर टैप करना है एंड इसको लॉक कर देना है। जैसे लॉक करने के बाद ये जैसे हिलता डुलता नहीं है, बाकी के काम हम लोग इजीली कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्ब के। तो सिंपली अब इस थंबनेल में हम लोग देखेंगे क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले तो फूल का, जैसे एक फ्लावर के, जैसे रोज बोले क्या ही के कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, जैसे इनका पीएनजी यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, बट मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करके उसको ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे मैं जो डाउनलोड किया हूँ उसको मैं बनाया हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि भाई ऐसे ही तुम बता दिए, पीएनजी वगैरह तुम बताए नहीं कैसे क्या करना है। ऐसे देखो, एफ पीएनजी में ऑलरेडी मैं, जैसे ये मेरा बनाया हुआ है एंड इन लोगों का जैसे पता नहीं जैसे कैसा था, बट ये भी देख सकते हैं सेम टू सेम है। इसको हम लोग छोटा करेंगे थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ रख देना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर यूज नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फोटो रिमूव किया तो साथ ही साथ रिमूव हो गया, अच्छे से नहीं हो पा रहा था, कट जा रहा था इधर से उधर, तो ऐसे ही मुझे रिमूव करना पड़ा। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को रख देना है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको मैं तो हटा देता हूँ, जैसे रहने देता हूँ, सिंपली इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा एक यहाँ पर इस जो 500 का जो नोट होता है उसका पीएनजी यहाँ पर ऐड किया गया है, तो वो भी मेरे पास है, वो भी मैं ऐड करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर ऐड करने के लिए आप लोगों को इंपोर्ट पर क्लिक करना है और उसको ऐड कर लेना है। तो सिंपली मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप लोग इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ पर है तो ऑलरेडी तो इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें पीएनजी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक बिल्डिंग टाइप का, ऐसे रोड पर जो बिल्डिंग वगैरह नहीं होता वो पीएनजी जैसे यूज किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ, इंपोर्ट पर क्लिक करना है। मैं उसको थोड़ा सा सेम टू सेम तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी ठीक ठाक है। इसको कुछ इस तरह से आप लोग जैसे क्रॉप करके और यहाँ पर यूज कर सकते हो, अगर जैसे कुछ इस तरह से लगेगा तो आप लोग देखिए क्या कीजिएगा। सिंपली इस तरह स्क्रॉल करके जाना है, आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड इसको पूरा फुल कर लेना है, जैसे, ठीक है, इन दोनों को पूरा आप लोगों को फुल कर लेना है और इस तरीके से आप लोग को जैसे चारों कोना पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर देना है, ठीक है, सिंपली कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से आप लोग कर देते हो, उसके बाद अगर यहाँ पर कहीं पर भी तुम एडजस्ट करते हो तो उतना जैसे समझ में, जैसे
समझ में आएगा ही नहीं। देखो इस तरह से मैं इससे भी बेटर कर सकता था, बट ये फोटो है ना जो अलग अलग पार्ट में जैसे रहता ना, जैसे थंबनेल क्रिएट करने जैसे जो भी क्रिएट किया है उस टाइम जैसे ये जैसे अलग अलग इमेज रहता है उस टाइप से रहता, तो मैं अच्छे से इसको समझा पाता आप लोगों, बट इतना तो आप समझ सकते हैं मैं क्या जैसे बताना चाह रहा हूँ। सिंपली मतलब यहाँ पर यूज कर दिया गया है कुछ इसी स्टेप से, सिंपली यहाँ पर एक बैकग्राउंड लिया गया है और यहाँ पर एडजस्ट कुछ इस तरीके से कर दिया गया है, और जो फोटो है ना फोटो ये वाला फोटो है ना वो जैसे इसके फ्रंट पर है, इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर जैसे ये वाला पीएनजी इसके तो ऊपर दिख रहा है, तो अब सेम जैसे फोटो है तो साथ ही में रिमूव हुआ है इसीलिए ऐसा आप लोगों को दिख रहा है, बट आप लोग समझ सकते हैं। कुछ इस तरह से बैकग्राउंड लीजिएगा और यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो आप लोग फोटो ऐड कीजिएगा इसके ऊपर कर दीजिएगा, जैसे फ्रंट कर दीजिएगा, सिंपली आपका काम हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ लीजिए, तो सिंपली इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। मैं इसी स्टेप को जैसे समझाना चाह रहा था, हर एक पार्ट को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो ईजिली आप लोग कुछ स्टेप से थंबनेल क्रिएट करना सीख जाओगे। ये तो हो गया, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ शॉप वगैरह जैसे शॉपिंग करते हैं ना वहाँ पर एक पीएनजी यहाँ पर ऐड किया गया है, तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इंपोर्ट में क्लिक करके मैं दो दो आप लोगों को यहाँ पर पीएनजी कुछ स्टेप से दे दिया हूँ। मैं कुछ ऐड करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, एडजस्ट कैसे करना है। ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा रोटेट करेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को टू बैक कर देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एडजस्ट करके एक और कॉपी करना है, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर देना है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड इसको दोनों को लॉक कर देना है, और हम लोगों को सिंपली अब देखो क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर लोगों को इंपोर्ट पर क्लिक करना है और एक यहाँ पर ब्लैक शैडो को यहाँ पर यूज करना है। जैसे आप लोग मेरा जैसे पिछला वीडियो देखे होगे तो कुछ कुछ पार्ट आप लोगों उसमें का जैसे पीएनजी मैं यूज कर रहा हूँ सिंपली, क्योंकि इसमें भी वही सब पीएनजी लग रहा है। सिंपली इसको मैं यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर शैडो है, इसको हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, तो कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड इसको इनेबल करना है, और आप लोग को वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वाइट कलर सेलेक्ट करके इसको कुछ इस तरीके से करना है, थोड़ा सा इस तरीके से लंबा करके और यहाँ पर रखना है, और इस पर आप लोग को टैप करना है जैसे इस वाले ऑप्शन पर, और इसको अपने फोटो के पीछे लेकर चले जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा इसका जो ओपसिटी हम लोग कम कर लेंगे, ओपसिटी वाले ऑप्शन में जाकर अराउंड कुछ इतना कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर करने के बाद एक और हम लोग डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको छोटा करके यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अपने फोटो को फिर से पीछे लेकर चले जाना है और इन दोनों को लॉक कर देना है आप लोगों को। सिंपली इतना हो जाने के बाद आप देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिख रहा है जैसे वाइट भी कर सकते हैं, जैसे मैं वाइट किया हूँ, यहाँ पर येलो आप बोलेगा कि येलो है, वाइट भी है येलो भी है, तो मैं देखो अब समझ में नहीं आ रहा, तो एक को हम लोग क्या करेंगे कलर लॉक ही रहने देंगे, सेलेक्ट करके हम लोग कलर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और येलो कर देंगे, देख सकते हैं, ठीक है। येलो कर देने के बाद अब इसका जो ओपसिटी है अब अपने हिसाब से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हर एक स्टेप में आप लोग बता रहा हूँ। तो सिंपली इसको आप लोग जिससे लॉक ही है एंड अब इस थंबनेल में हम लोग देखेंगे क्या हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बिल्डिंग का है पीएनजी आप लोग दिख रहा है, मैं ऐड करके मैं आप लोग दिखाता हूँ, सिंपली इंपोर्ट पर मैं क्लिक करके और उसको ऐड कर लेता हूँ। सिंपली ये वाला पीएनजी है, तो आप लोग को जैसे इस वाला ऑप्शन पर टैप करना है, जैसे क्योंकि हम लोग को इधर करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करके और इसको छोटा करना है आप लोगों को एंड इसको टू बैक यहाँ पर कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो हम लोग को यहाँ पर कर देना है और इसको हम लोग को लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद फिर से आप लोग करना क्या पड़ेगा, इंपोर्ट पर हम लोग को क्लिक करना है और एक जैसे शॉपिंग टाइप का होता है ना पीएनजी में, उसको ऐड करके फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे सिंपली इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको छोटा कर लेना है और भी छोटा करना है और यहाँ पर सिर्फ टू बैक आप लोगों को कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद इसको भी लॉक कर देंगे और इसका एक हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे जैसे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऐड किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी तो यहाँ पर ऐड किया गया, तो क्या ही हम लोग ऐड करें, बट मैं आप लोगों को पीएनजी दिखा दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ पीएनजी दे दूंगा ऑल मटेरियल, तो इजीली आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, इजीली आप लोग यूज करके थंबनेल बना सकते हैं। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बता दिया एंड अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पीएनजी। सिंपली आप लोग पीएनजी तो ऐड नहीं है, हम लोग सेफ पीएनजी का जैसे एक बनाना पड़ेगा, जैसे इन लोगों का पीछे जो यहाँ पर येलो एंड ऐसे ऑरेंज डार्क टाइप का है कलर है, तो सिंपली हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे सेफ वाले ऑप्शन पर, और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग बड़ा करेंगे एंड इसके साइज़ हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एंड इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कर देंगे एंड सही पर टिक कर देंगे, और आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है और कलर वाले ऑप्शन में जाकर इस वाले ग्रेनाइट पर क्लिक करके और कुछ इस तरीके से कलर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर ऑरेंज इस टाइप कर देना है और इस तरह से थोड़ा सा येलो कर देना है कलर, और ओके पर क्लिक कर देना है और इसको टू बैक कर देना है आप लोगों को। टू बैक करके आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे मुझे एडजस्ट कुछ करना नहीं है, ठीक ठाक है, तो इसको मैं लॉक कर दूंगा एंड ये जो शैडो है ना, ये शैडो वाला इस पर एक बार जैसे सेलेक्ट करना है आप लोगों को और एक कॉपी बनाना है, और येलो है ना, ये येलो कलर तो ऑलरेडी सेलेक्ट ही है, बट हम लोग को पूरा जिसका इसका ऑपसिटी है पूरा हम लोग को हाई कर देना है, और यहाँ पर इसका जो कलर है हम लोग सिर्फ
येलो करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज की ओर चला गया था कलर, तो येलो करके ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लोग अपने फोटो के पीछे स्वाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको यूज करने के बाद ग्लो इफेक्ट की तरह लग रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं अगर हटाऊंगा कुछ फीका फीका सा लग रहा है, बट इसको अगर मैं इसके पीछे करूंगा तो लग रहा है पर ग्लो इफेक्ट यूज किया गया है। तो इसका है थोड़ा सा माइंड वोड लगाना, माइंड से अगर आप लोग कोई भी काम करोगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बनेगा। तो सिंपली इसको भी हम लोग लॉक कर देंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग को ऐड क्या करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रंट करते जाएंगे, क्योंकि जो भी पीएनजी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका बैक यहाँ पर ये चला जाता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक यहाँ पर भी बिल्डिंग यूज किया गया है, तो सिंपली उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं, फिर इंपोर्ट पर क्लिक करके और उस जैसे बिल्डिंग पीएनजी को भी यूज कर लेते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोग इसको सही पर टिक कर देना है और इसको ना हम लोगों को यहाँ पर ऐड जैसे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ छोटा करना है, ठीक है। छोटा करने के बाद इसे ट्रू बैक कर देना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, सिंपली कुछ इस तरीके से, और इसको लॉक कर देना है आप लोगों को। ठीक है, सब काम हो गया है। अब हम लोग एक और काम बाकी है, इंपोर्ट को हम लोग क्लिक करेंगे, एक और पीएनजी को ऐड करना है। मैं उसको जैसे ऐड करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सिंपली मैं इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आप लोगों को इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, टू बैक करके यहाँ पर रख देना है। ठीक है, एक और बनाकर टू बैक अब हम लोग कर देंगे एंड एक कॉपी हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर कुछ करके छोटा करके और यहाँ पर टू इसको बैक कर देंगे। कुछ इस तरह से हो जाने के बाद इसको भी हम लोग को लॉक कर देना है। ठीक है, सिंपली ये क्या हो गया, इसके जैसे आगे आ गया था, इसको भी देख कर चलना है, इसको लॉक कर देना है आप लोगों को। तो इतना तक काम हम लोग को हो गया, अब सिर्फ हम लोग क्या बाकी है, टाइटल लिखना है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान से देखना है। सिंपली हम लोग को इंपोर्ट पर क्लिक करना है एंड एक यहाँ पर पीएनजी को ऐड कर लेना है आप लोगों को। मैं कुछ ये अपने तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि उससे भी अमेजिंग लगेगा, उससे भी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं इसको रख दिया, ठीक है, और रखने के बाद इसका जो कलर है सेम कलर मैं उन्हीं लोगों का रखूँगा इनेबल करके, और जो कलर है ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा और आप लोग का इम्बोज वाला ऑप्शन में चले जाना है, इम्बोज ऑप्शन में, ठीक है, इसको इनेबल करना है एंड इसको कुछ इस तरीके से कर देना है। और इसमें कुछ अपने हिसाब से भी एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से कर देना है आप लोगों को एंड इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से और वो सही से सही पर टिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब आप लोगों को इसको लॉक कर देना है, सबसे ऊपर ही है। लॉक करने के बाद हम लोग को यहाँ पर टाइटल लिखना है, सबसे यहाँ पर सेटिंग लिखना है, सेटिंग से हम लोग थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में लिखेंगे सब। सेटिंग कुछ इस तरीके से लिखने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ए बी वाला ऑप्शन चला जाना है, इसे फॉन्ट हम लोग को लेना पड़ेगा। तो आप लोगों इसे पॉपिंस वाला जैसे फॉन्ट ले लेना है, इसे बोल्ट वाला पॉपिंस वाला, ठीक है। इसको लेने के बाद हम लोग को सही पर टिक करना है एंड इसका जो कलर है हम लोग येलो कलर सेलेक्ट कर देंगे, सिंपली ये वाला नहीं, सिंपली हाँ ये वाला कर देंगे। एंड इसको करने के बाद अब आप लोगों को ना यहाँ पर स्ट्रोक देना है, ब्लू डार्क देख सकते हैं कलर, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से आप लोग को देना है, हाँ कुछ ये वाला कर लेंगे। और इसको इसमें भी हम लोग इम्बोस ऐड कर देंगे यूनिक देखने के लिए, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यूनिक देखने के लिए, ये कुछ इस तरीके से कर देंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। एंड इसका जो स्ट्रोक है हम लोग कम कर देंगे क्योंकि ज़्यादा है तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप लोग कर देना है एंड सही पट्टी करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद इसका एक कॉपी जैसे आप लोग को बनाना है एंड सिर्फ आप लोग को से रखना है, ठीक है। थोड़ा देखते जाइए, थोड़ा सा अगर मैं जल्दी जल्दी जैसे बता रहा हूँ या कुछ भी अगर आप लोग को मिस्टेक दिख रहा होगा मेरे से तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। मैं कुछ अपना अपना स्टाइल होता है, थोड़ा सा पता नहीं मैं क्या कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोग बताना, ठीक है। सिंपली यहाँ पर रख देना है आप लोगों को एंड इसको भी लॉक कर देना है और सेटिंग जो लिखा है इसका एक कॉपी हम लोग को बनाना है एंड आप लोग को मीटिंग लिख देना है, ठीक है, मीटिंग ना है, हाँ मीटिंग क्या लिख दिया मैं, मीटिंग, ठीक है ना, हाँ ठीक है। इसका यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे एंड इसका जो कलर है हम लोग ये वाला रख लेंगे सिंपल, और एक इंटरेस्टिंग इसमें देने के लिए थोड़ा ग्लो इफेक्ट की तरह, तो हम लोग को इनर साइड में जाना है और इनेबल करके हम लोग को इसे वाइटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसमें भी जाएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन में एंड इसको सेलेक्ट करके और इनर वाले ऑप्शन में जाएंगे और हम लोग को येलो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सिंपली येलो कलर, थोड़ा सा ऑरेंज डार्क ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं टाइटल भी कितना ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेंगे
और ये जो कटआउट जैसे आ रहा है ना ये वाला, इस पर बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा, इजीली आप लोग देखकर इसका जैसे सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो इसका मैं कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसको मैं बीचों बीच कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली हम लोग का थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। बहुत सारा पार्ट मैं समझ सकता हूँ मिसिंग हुआ होगा, बट जितना हो पाया मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। एंड ये इसलिए हो पाया कि जैसे मैं थंबनेल यहाँ पर इन लोगों का रिमूव कर रहा था जैसे बहुत सारा, तो यहाँ पर ये वाला जैसे पार्ट तो साथ ही में आ गया एंड इसको हटा रहा था तो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था और आपको अच्छे से समझा भी नहीं पाता। सिंपली इसी वजह से इन सबको PNG को साथ ही में लाना पड़ा, तो थोड़ा सा मिसिंग तो हुआ है, बट जितना भी प्रोसेस मैं आप लोग बताया हूँ सिंपली आप लोग बना सकते हैं। तो मैं आप लोग से हर बार यही बोलता हूँ, सिर्फ आप लोग प्रोसेस देखिए, आप लोग इजी स्टेप में बना सकते हैं और आप लोग सेम टू सेम बनाने की कोशिश मत कीजिए, कुछ अपना भी यहाँ पर क्रिएटिविटी डालिए, कुछ अपने से भी इसमें ऐड कीजिए, तब तो आपका यूनिक थंबनेल बनेगा। सेम टू सेम बनाए तो कोई फायदा नहीं, बट आप लोग कमेंट करते हो इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो तुरंत मैं वीडियो बना देता हूं और मैं आप लोग बता भी देता हूं कि लोग अपने थंबनेल कैसे बनाते हैं। सिंपली मैं आप लोग बता दिया सारा प्रोसेस कैसे कैसे, सब कुछ PNG है, एक दो मिसिंग है बट उसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग प्रोसेस देखिए मैं कैसे कैसे मैं आप लोग को बताया हूं, ठीक है। तो एंड आप लोग को थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और कमाल के धमाकेदार वीडियो में।